जहां एक तरफ साक्षी मिश्रा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं दूसरी ही तरफ साक्षी मिश्रा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट शेयर किए, अपने नाम को बदलकर फैसला ले लिया कि वो अभी की बनकर रहेगी, देख सभी चौंके। वेल, अपने ही पति और अपने ससुराल वालों को भी शॉक्ड कर गई साक्षी मिश्रा इस फैसले के साथ। अपने विधायक पिता राजेश मिश्रा के खिलाफ साक्षी मिश्रा जो अपने तेवर बदलती नजर आई, उनके बारे में बात की जाए तो वो खुद को, साक्षी मिश्रा खुद को अजितेश की पत्नी नहीं बल्कि टाइग्रेस मानती है, ये राज खुल गया है। जी हाँ, अजितेश की पत्नी मानने से इनकार कर उसने खुद को अजितेश की टाइग्रेस बताया है। शादी के बाद टाइग्रेस अभी बोलकर उसने लिखा ये पोस्ट इंस्टाग्राम पर, आप देख सकते हैं ये इंस्टाग्राम अकाउंट है साक्षी मिश्रा का। बरेली के बिथरी के विधायक, बीजेपी विधायक, बीजेपी एमएलए राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा का ये पोस्ट हो रहा है तेजी से वायरल, जो कि नए फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए सोशल मीडिया से जुड़ गई है, जो बीते कुछ दिनों से लगातार ही काफी ज्यादा विवादों का कारण बनी है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि नए सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए वो इस बात को बताने की कोशिश कर रही है कि वो अपनी जिंदगी में खुश है अजितेश के साथ, अपने से दोगुने उम्र के शख्स के साथ शादी कर वो काफी खुश है। परिवार के खिलाफ जो गुपचुप शादी कर मीडिया के सबसे बड़े मंच के सामने उसने स्वीकार किया और परिवार के व्यवहार के बारे में बताते हुए दर्द भी झलकाया। साक्षी मिश्रा के इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम सीनू अभी है। खुद को सीनू और अजितेश को अभी मानने वाली साक्षी मिश्रा ने खुद को अजितेश की पत्नी, यानी कि अपने अभी अपने पति की खुद को पत्नी नहीं बल्कि टाइग्रेस बताया है, जिसमें वो तमाम फोटोज शेयर कर रही है। साथ में उन्होंने कैप्शन में लिखा है शख्सियत महकती है हमारी अभी टाइग्रेस। ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है उनका नया अकाउंट, जिससे जुड़ी है हमारी एक खास रिपोर्ट। तो आपने ये भी जाना कि साक्षी मिश्रा किस तरह से लगातार ही चर्चा का विषय बनी हुई है। साक्षी मिश्रा को लेकर लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो अपने आप को अलग ही अंदाज में पेश करती हैं। साक्षी मिश्रा के बारे में ये भी बताना चाहेंगे कि वो अपने परिवार से ज़्यादा खफा अपने पिता राजेश मिश्रा से नजर आई। पहले राजेश मिश्रा को अपने आदर्श के तौर पर साक्षी मिश्रा बार बार सम्मान दिया करती थी, लेकिन आज वही अपने पिता से इस कदर खफा है कि पिता के सामने तक नहीं जाना चाहती। परिवार से उन्हें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन पिता के रवैये से वो हमेशा परेशान रही, ऐसा साक्षी मिश्रा का कहना था। सबके सामने, मीडिया के सामने इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वो ये शादी गुपचुप इसलिए की क्योंकि वो जानती थी उसका परिवार अजितेश और उसके रिश्ते को नहीं अपनाएगा। अपने प्यार को भी परिवार से छुपा कर रखी थी साक्षी मिश्रा। 21 साल की साक्षी मिश्रा ने बहुत ही बड़े उम्र के शख्स पर प्यार लौटाया और उसे अपना बना लिया। शादी के बाद वो एक वीडियो वायरल करते नजर आए थे, जिसके जरिए इनके रिश्ते को विवादों में आने में देर नहीं लगा था। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।